हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन 13, अर्ली मैन। बच्चों, अर्ली मैंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो अपने ही बारे में पढ़ रहे हैं, समझिए। बहुत साल पहले जो लोग होते थे उनको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ली मैन या अर्ली ह्यूमंस, ठीक है। ये इनके पास ना तो बच्चों कोई इनको लैंग्वेज की नहीं पता था, कोई लैंग्वेज नहीं पता था, इन्हें कपड़ों का ज्ञान नहीं था। ये क्या पहनते थे, जनरली पत्तियाँ पहन लेते थे, और जो एनिमल्स की डेड एनिमल्स होते थे, मरे हुए एनिमल्स की स्किन पहन लेते थे। उन्हें आग जलानी नहीं आती थी, खाना पकाना नहीं आता था, तो वो कच्चा ही मीट खा लेते थे, जो भी फ्रूट मिलता था ऐसे ही खा लेते थे। उन्हें किसी तरह का ज्ञान नहीं था, कोई मतलब उनको ये बोलना भी नहीं आता था, अपनी बात समझाना भी नहीं आता था किसी को। तो अब हम अर्ली मैन के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ आप पिक्चर देखिए, ये पिक्चर है अर्ली मैन की। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मैन हु लिव्ड लॉन्ग लॉन्ग एगो टाइम एगो। लुक एट द पिक्चर, पॉइंट आउट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल अराउंड यू एंड मैन, यू एंड द मैन इन द पिक्चर। आप ये पिक्चर देखिए, अपने और इस पिक्चर में तीन डिफरेंसेस बताने हैं आपको। पहला डिफरेंस तो यही है कि इन्होंने क्लोथ नहीं पहने और हम लोग ने पहने हैं, ठीक है। इन्होंने देखिए, इनके नेल्स कितने बड़े बड़े हैं, ये बिल्कुल कैसे जंगली लग रहे हैं ना, बट ऐसा ही दिखते थे। द पीपल हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम एगो आर कॉल्ड अर्ली मैन। अर्ली मैन वर डिफरेंट फ्रॉम अस मैनी वेज। अर्ली मैन हम लोग से बहुत डिफरेंट थे कई चीज़ों में। दे डिड नॉट लिव इन अ हाउसेज बट इन अ केव्स एंड अ ट्रीज। अर्ली मैन क्या था बच्चों, उनके पास कोई घर नहीं था, उनके पास पर्टिकुलर कोई घर नहीं था। वो कहाँ रहते थे, कभी गुफाओं में रह लेते, केव्स में, और कभी ट्री के ऊपर ही सो जाते थे, रह लेते थे। तो उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी। दे हंटेड एनिमल्स फॉर मीट एंड एट इट एंड रॉ एट फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। वो क्या करते थे, जानवरों को मारते थे, उनका शिकार करते थे और उनको बिना पका ही ऐसे कच्चा ही खा जाते थे, और प्लांट्स को भी फ्रूट ऐसे ही खाते थे। दे टॉक टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ साउंड एंड साइन। वो एक दूसरे से बात कैसे करते थे, साउंड से और साइन से, इशारों से बात करते थे। वो अपनी बात समझा नहीं पाते थे। दे कवर्ड देयर बॉडी विद लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स। वो अपने बॉडी को कैसे, कपड़े कैसे पहनते थे, या तो फिर वो लीव्स पत्तियों से ढक लेते थे, या एनिमल्स की स्किन से अपने कपड़े पहनाते थे। अर्ली मैन यूज बोन्स एंड पेबल्स टू मेक ऑर्नामेंट्स। आपको मालूम है जो ये अर्ली मैंस थे, वो अपने आभूषण किससे पहनते थे, गहने किसके बनाते थे, जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती थी जानवरों की, उनकी हड्डियों के और पत्थरों के, पेबल्स के हार बनाते थे, कान के इयररिंग्स बनाते थे, गले का हार बनाते थे, बैंगल्स बनाते थे, ये सब चीज़ें उन्हीं हड्डियों से और पेबल्स से बनाते थे। तो बच्चों, इनकी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। और ये क्या करते थे, इनके पास कोई भी हथियार नहीं होता था, कोई भी चीज़ नहीं होती थी कि वो अपने आप को सुरक्षित कर सके। धीरे धीरे एक बार अचानक इन्होंने दो ईंटों को रगड़ा, दो ईंटें रबड़ो रब किए तो उसमें से चिंगारी निकली। अब ये आग का आविष्कार हो गया, अब इन्होंने फायर को सीख लिया कि इससे आग जलती है। फिर इन्होंने धीरे धीरे वो आग जल के देखा कि उससे तो इनके वाइल्ड एनिमल्स भी भागने लगे हैं, आग को देख के डरने लगे हैं। ये लोग तो बहुत खुश हो गए, इन्होंने कहा वाओ, ये तो कोई चमत्कार हो गया है। फिर उससे उन्होंने खाना पकाना भी सीख लिया। जब आग का आविष्कार कर लिया, और केव्स में, जब केव्स में लाइटिंग का भी होने लगा, लाइट भी जलाने लगे, मशाल जलाने लगे, जिससे रोशनी होने लगी, तो यहाँ से हमारे पूर्वज एनिमल्स जो अर्ली मैंस थे उनकी शुरुआत हुई। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको अर्ली मैंस के बारे में बताना है कि अर्ली मैंस कैसे ऑर्नामेंट्स पहनते थे, कैसे आभूषण पहनते थे, ये बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से ऑर्नामेंट्स पहनते थे, कौन कौन से आभूषण पहनते थे, ठीक है। अर्ली मैन अपनी ड्रेस कैसे पहनते थे, वो अपनी बॉडी को कवर किस चीज़ से करते थे, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है कि वो कैसा खाना खाते थे, आप बताओगे, रॉ, RAW रॉ फूड खाते थे वो, ठीक है बच्चों। और वो जो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, आभूषण पहनते थे, वो बोन्स के होते थे और पेबल्स होते थे, और वो अपने को कवर करने के लिए क्या करते थे, कवर्ड विद बॉडी, दे कवर्ड देयर बॉडी विद लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स, इन चीज़ों से करते थे। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं और मुझे सेंड करने हैं, ठीक है बच्चों, यही आपका असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अर्ली मैंस थे उन्होंने कैसे
स्टोन्स कैसे ये आपके डिस्कवर्ड किया, फायर का, व्हील का, और क्या किया, कैसे उन्होंने अपने हथियार बनाए, ये आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ गुड बाय।